पीछे सेंटर पीछे से मैम थोड़ा सा पार्टी दबा ना थोड़ा सा पार्टी मैम थोड़ा सा शेड में बस 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 वो क्या चाहिए क्लियर बोल नहीं सकते मैम ये सेंटर चलो थैंक यू हाँ मगाशी बसले तसे हाँ बस मैडम इकडे एकदा मॅम समोर थँक्यू दादा मॅम अमोल सर फाइनली फिल्म की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके से एक दो दिन गुजरे हैं जरा बताएं कैसा चल रहा है भाई दो दिन की बात क्या बात कर रहे हैं हम अगस्त 2015 की बात कर रहे हैं तीन साल गुजर गए और ब्रांड न्यू बेबी साइना हमारे सामने है उनके माता पिता यहाँ हैं भूषण जी हैं जिनके सपोर्ट के बगैर ये पिक्चर बन नहीं सकती थी और बैडमिंटन क्योंकि इतना अच्छा किरदार है फिल्म में तो उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास दो नंग है जैसे रत्न है एक है श्री श्रीकांत वार्ड और श्री कट अरे गिव मी द सेकंड नेम नो दी अदर पर्सन अरे पंकज धुमे बोल रहा हूँ मैं बट नाम दूसरा अरे मैं अरे दूसरा मैं कोच आई एम टॉकिंग अबाउट अ कोच यार गोपीचंद तो नहीं है गोपीचंद ये मुंबई मुंबई के मुंबई के मुंबई के अच्छा प्रदीप गांधी प्रदीप गांधी सॉरी यू विल टेक फ्रॉम देयर यू डोंट माइंड तो ये जर्नी जो है पिछले दो दिन का तो है ही लेकिन पिछले तीन साल का है और आई हैव भूषण जी टू थैंक क्योंकि वो नहीं होते तो ये फिल्म आगे नहीं बढ़ती ये मैं साफ साफ कह दूँ आपको माता पिता ने इतना सपोर्ट किया मैंने उनके साथ जो समय बिताया हैदराबाद में उसके लिए मैं ऋणी हूँ और प्रदीप गंधे सर और श्रीकांत वार्ड सर इनके बगैर तो ये फिल्म बनती ही नहीं बनने नहीं देते थे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज माता पिता मिलने आए हैं आपसे शूटिंग के दौरान और पहले भी आप शायद मिल चुके हैं हैदराबाद बिल्कुल बिल्कुल आप और किस तरह की तैयारी की थोड़ा सा बताएं इन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया एज अ फैमिली इन्होंने मुझे इंक्लूड किया जब मैं इनके घर पे गई थी तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आज जैसा महसूस हो रहा है मैं शब्दों में कह नहीं सकती क्योंकि एक फीलिंग है पर इनके साइना के पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे पेरेंट्स हैं यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है एंड बहुत आई थिंक कि हम सबको बहुत टाइम से वी वर ऑल ईगरली वेटिंग कि व्हेन विल इट गो ऑन फ्लोर्स एंड नाउ फाइनली इट्स हैपनिंग सो इट फील्स रियली रियली गुड आई फील वेरी क्या कहते हैं लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओवर हियर भूषण जी साइना कितनी स्पेशल है आपके लिए ये क्योंकि आज के दिन आप ताना जी को भी कम मुहूर्त करके आ रहे हैं तो बड़ा खास दिन है सी ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है हमारे लिए जैसे कि आज रियल लाइफ सिनेमा लोग इतना पसंद करते हैं और देर इज़ नो अदर डायरेक्टर बेटर देन अमोल सर जो इस चीज़ को मुकाम तक ले जा सकते हैं और इस फिल्म में जिस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी है मीन्स आई स्टिल रिमेंबर शूटिंग शुरू होने से कुछ एक दो हफ्ते पहले शी कॉल्ड मी श्रद्धा कॉल्ड मी एंड सेड कि सर मैं इसमें इतनी एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मतलब इतनी पॉजिटिवनेस मैंने आई डोंट थिंक मीन आई हैव डन आशिकी विद हर वी हैव डन सो मेनी म्यूजिक ऑफ आवर फिल्म्स रिसेंटली वी डिड बत्ती गुल एंड ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मैंने आज तक मैं देखी नहीं और प्लस आज जब मैं यहाँ सेट पे भी आया हूँ तो मुझे बहुत 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 ही फैमिली टाइप एटमोसफेयर एंड
बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली. आई थिंक इतनी पॉजिटिव एनर्जी से एक सुपर हिट फिल्म ही बनेगी. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू एवरीवन, टू द पेरेंट्स ऑफ साइना ऑल्सो, के वो आए इतनी दूर से हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए इस फिल्म को किक स्टार्ट करने के लिए. तो हम थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पे आए हमारी इस फिल्म को. हमारी फिल्म मीन्स हम सब की फिल्म है ये. सो वी आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और मैम, आप दोनों लोग भी श्रद्धा फिल्म में साइना का किरदार निभा रही है और इतनी यंग एज में आपकी बेटी पर, आप दोनों की बेटी पर फिल्म बन रही है. मैं दो मिनट लेना चाहूँगा. आदरणीय गुप्ते सर और सुभाष जी, भूषण जी, और हमारी सो कॉल्ड फिल्म की बेटी श्रद्धा जी, देखिएगा भारतवर्ष में बायोपिक बनने का एक बड़ा भगत सिंह बने, उसी की लाइन में आगे चल के भाग मिल्खा भाग और दंगल और मैरी कॉम के ऊपर बना. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस टीम को कि श्रद्धा जी अगर एक भी साइना पैदा कर दे रही हैं भारतवर्ष में, बहुत बड़ा काम होगा. और मुझे लगता है जिस कठिनाइयों से हमने कार्य किया उस एक बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, ये हमारा जो ग्रुप है जिसको सो कॉल्ड मूवी ग्रुप कह रहे हैं आप, उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है और वो उतने ही एंथुजियास्ट हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उससे हमारे बच्चे बच्चियाँ इंस्पायर हों, वो खेलें बैडमिंटन नहीं कोई और भी गेम खेलें और एक साइना बन के दिखाएँ. तो मुझे भगवान से उम्मीद है, प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चों की सफलता दें, इनका जो कार्य है वो जनता के काम आए, बच्चों के काम आए और इंस्पायर करें उनको, वर्ल्ड लेवल पर जाएं, नाम जीते. तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैदराबाद जब विजिट कर रहे हैं तो साइना जी का नाम ले रहे हैं. तो ऐसा नहीं होता, ये देवी का करिश्मा है, भगवान का करिश्मा है कि आज हम इस यहाँ बैठे हुए हैं. इन्होंने जो क्रिएटिव मूवीज बनाया, पीछे देख देख के हमें लगता था रोना आता था, उसी तरह का ये ग्रुप दोबारा मिला है और अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं इनको, डायरेक्टर मिले हैं और एक टैलेंटेड लड़की है जो उस किरदार को निभाएगी. तो मैं अगेन उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया, अच्छा कार्य करें और लेट अस सी के एक हमारी और बच्ची उभर के आए भारतवर्ष में. और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की बायोपिक पीछे बनी है ये उसी तरह की एक सिद्ध होगी एक्सपेरिमेंट और विल गिव सर्टेनली, हमारे जो एफर्ट्स इनको बनाने में रहे हैं वो आप पर्दे पर दिखाएंगे और बच्चे इंस्पायर होंगे. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, मैं भी यही बोल रही हूँ जो साइना बाबा बोल रहे हैं. अच्छा लगा बहुत, और अच्छी अच्छा डायरेक्ट करेंगे वो और ये अच्छे अच्छी बेटी बनेगी सरदार. थैंक यू आंटी. सरदार कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द थर्ड फिल्म ऑफ हिस्ट्री है, क्रॉस 100 करोड़ आफ्टर द एबीसीडी थी. डू यू थिंक अब साइना नेहवाल के पिक्चर में काफ़ी प्रेशर बढ़ गया है आपके लिए? 100 करोड़ का जो बेंचमार्क चलते हुए आ रहा है, तीसरी पिक्चर आपकी सुपर होने के बाद. आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ जब भी लोग आपकी फिल्म देखने जाते हैं, उसको इतना सारा प्यार देते हैं. जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी. तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, ऑडियंसिस को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एक अच्छी कॉन्टेंट वाली फिल्म को सपोर्ट की, तो और मैं उसका हिस्सा थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक कि तैयारी बहुत करनी पड़ रही है फॉर दिस फिल्म, तो वो काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं. एंड बायोपिक है तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत कर रही हूँ एंड अभी फाइनली हमने शुरू की है, तो वी हैव स्टार्टेड एंड इट फील्स गुड. आपने बचपन में कभी बैडमिंटन खेला था या कभी यू नो कभी वो स्पोर्ट को यू नो पर्सनली खेला? ऑफ कोर्स हम सब ने बैडमिंटन खेला है. आई थिंक कि बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है जो चाइल्डहुड में आई थिंक बच्चे नेचुरली वो रैकेट उठाते हैं और उनका मन करता है कि टू प्ले बैडमिंटन. आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैव फॉन्ड मेमोरीज, बिल्डिंग के नीचे खेलना, कंपाउंड में खेलना. तो ऑफकोर्स मेरे भी बहुत ही कीमती, बहुत ही यादगार यादें हैं. तो
इसके लिए कहीं ना कहीं आपने कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें भी सीखी होंगी, बिकॉज हम तो बहुत बेसिक सा खेलते थे जब हम छोटे थे. बिल्कुल, ऑफ कोर्स. टेक्निकलिटी आपने अब सीखी है. एब्सोल्युटली. और मेरी ट्रेनिंग अभी भी चालू है. बहुत आई मीन जैसा साइना मेहनत करती है, हैट्स ऑफ टू हर. और उनकी जो लगातार ट्रेनिंग रहती है और इतना मतलब उन्होंने हम सबको प्राउड किया है लगातार, तो डेफिनेटली बहुत मेहनत की है और उसी किस्म की मेहनत भी मैं कर रही हूँ. एंड आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय इट व्हेन यू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन. आपकी स्त्री भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ रही है कई फिल्मों के साथ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक कि रिकॉर्ड वेकॉर्ड तोड़ने से ज़्यादा या कॉम्पिटिशन से ज़्यादा आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छी फिल्में लोगों को पसंद आ रही हैं और उसका एक हिस्सा मैं हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई डोंट थिंक कि कोई कंपैरिजन की ज़रूरत है. आई थिंक कि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है अगर अच्छी फिल्में काम करें एंड लोग उनके साथ कनेक्ट करें, तो आई थिंक कि दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट. नहीं अभी नहीं बताना चाहेंगे. अभी हम उसको प्रॉपरली नवंबर एंड में अनाउंस करेंगे, तो आप सबको तब पता चल जाएगा. थैंक यू गाइस, विल टेक लास्ट देन. अमोद जी, इतनी आपने पिक्चरें की हैं, क्या ये पिक्चर आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और कितना प्रेशर है पिक्चर को लेकर? मैं प्रेशर लेता नहीं, मैं प्रेशर देता हूँ. सही है, तो सही कह रहे हैं. मुझे दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ. और वैसे इंडस्ट्री के अंदर मैं बैठा हुआ आदमी भी नहीं हूँ, मैं बच्चों में बैठता हूँ. तो अब ये मेरी नई बेटी है, तो जिस तरह से उनका शेप हो रहा है बैडमिंटन, और जिस तरह से एक छत्रपति अवार्ड विनर एंड 3-time स्टेट चैम्पियन एंड अ नेशनल प्लेयर ईशान नकवी उनको स्कल्प्ट कर रहे हैं इनटू बैडमिंटन, तो इसको नॉन सीरियसली ना लें मैडम. ये बहुत सीरियसली हम लोग काम कर रहे हैं ताकि बैडमिंटन में कोई कमी ना पड़े.